सभी का स्वागत है। और मैं मतलब आज जो लाइव स्ट्रीम क्लास हुई थी रात में 8 बजे, वो क्लास में थोड़ी नेट के प्रॉब्लम के चलते मतलब वीडियो को सही नहीं अपलोड हो पाई, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं उसी वीडियो को मतलब फिर से अपलोड कर रहा हूँ आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि आपके बहुत क्लियर होने जरूरी है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपसे कोई कंप्रोमाइज नहीं कह सकता, उसे बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं मतलब ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ हर चीज़ें एकदम पूरी क्लियर की जाएगी, क्योंकि वीडियो मतलब अपलोड की ही जाएगी। तो ये लाइव नहीं है तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी एज कम्पेयर टू सुबह शाम वाले से होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, और मैं सीधा पढ़ाई की बात करता हूँ, ठीक है? देखो मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, हिस्टोरिकल बताऊँगा मैं आपको, ठीक? पहले देखो एक चीज़, आप देखो परसेंटेज, आपको क्या मैं पढ़ा रहा था? तो आपने कहा कि परसेंटेज आप पढ़ा रहे थे, परसेंटेज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपने कहा कि प्रतिशत बोला जाता है, प्रति औसत इसे बोला जाता है। क्या बोला था? प्रतिशत। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता हो कि प्रतिशत होता क्या है। तो मैंने कहा कि प्रतिशत अगर ध्यान से आप देखोगे, देखो जरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रति, और इसे थोड़ा सा अलग देखोगे तो सत लिखा हुआ है। प्रति मतलब होता बटे में, और सत मतलब होता सौ, यानी कि जिसे 1/100 के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। मैंने कहा 1/100 के रूप में, प्रति मतलब होता बटा, सत मतलब होता सौ, यानी कि जिसे 1/100 के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो कमेंट आप नीचे करिएगा। देखिए अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो आपने कहा कि 20% है। देखो तो मैंने कहा कि परसेंटेज जब हटता है किसी भी संख्या के सामने, ये 20% अगर यहाँ परसेंटेज हटाना होगा, तो आपने कहा कि जब परसेंटेज अगर आप हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? तो आपने कहा कि बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, इसको 0 से 0 कैंसिल करो, 2 के 5 से 2 5 10 होता है। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। इसे क्या बोलते हैं? भिन्न के रूप में बोलते हैं। 1/5 का हो जाएगा आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर कुल हिस्सा 5 है तो एक हिस्सा क्या कर रहा है? मुझे मिल रहा है, तो यानी कि ये कुल कितनी बार आ सकता है? तो आपने कहा कि 5 बार। यानी यहाँ पर अगर 20 एक बार आए तो यहाँ पर कुल मिला कितनी बार आएगा? तो आपने कहा कि 5 बार आए। इसका कहने का मतलब अगर 20 यहाँ पर अगर आपका कितनी बार है? एक बार है, तो कुल कितनी बार आया होगा? तो आपने कहा कि कुल कितनी बार आया होगा? तो आपने कहा कि 5 बार आया होगा। पर प्रतिशत में ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो मैंने कहा कि अगर ये कोई कह रहा है कि यहाँ पर 20 कितनी बार आया, तो आपने कहा एक बार। 100 में कुल कितनी बार आएगा? तो आपने कहा कि 5 बार आएगा। इसका कहने का मतलब ये होता है, मैंने कहा कि 20% का मतलब 20/100 अगर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है कि ये कितना है? 1/5 है। 1/5 का मतलब है कि यहाँ पर 20 कितनी बार आया था? आपने कहा कि 5 बार आया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? देखो अब छोटी छोटी जो बेसिक जानकारी है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा परसेंटेज किसे कहते हैं, आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए, वो आप याद करो चाहे जो करो उसके लिए। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है वो आपको पकड़ना, होल्ड करना। ठीक है, देखो जरा मैंने कहा कि अगर कहीं पर ये चीज़ लिखी जा रही है, मान लो मैंने कहा कि कहीं पर ये लिखा जा रहा है कि आपका कितना है, तो आपने कहा कि 100%। 100% को भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो आपने कहा कि, क्योंकि जैसे परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा? आप बटा 100 हो जाएगा, 100 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? इसका आधा पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 50%। जब अगर इसका आधा ले रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि 1/2। अगर फिर से इसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा कितना? तो आपने कहा 25%, यानी ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1/4। देखो बटा में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से 2 हो रहा था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फिर इसका अगर आधा करोगे कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि 12.5% हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सरल करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि 1/8। फिर मैंने कहा एक बार और, अगर आप इसको अगर चाहते हो और नीचे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने कहा कि अगर ध्यान से देखो जरा, अगर मैं किसी ने कहा कि 6.25 को क्या बोला जाएगा, तो मैंने कहा कि 1/8 में 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि 1/16। यानी कि 100% है तो 50% उसका आधा है 1/2, 25% उसका आधा है 1/4, 12.5% कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1/8 हो जाएगा, 6.25 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1/16% हो जाएगा।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा आपको नोट कर लो, आपको जरूर इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा आपको कंपलसरी याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, ये आपका कितना हो गया, तो आपने कहा ये वाला जो पार्ट आपका कितना हो गया, तो आपने कहा 100% हो गया। 100% को क्या कहते हैं, तो आपने कहा कि एक हो जाएगा। 50% को क्या कहा जाएगा, तो आपने कहा 1/2। 25% 1/4। 12% और 12.5 कितना हो जाएगा, 6.5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1/16। यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जरा आप एक मिनट देखो जरा। अगर मैं ये बातें बोल देता हूँ कि इस वाले परिवार में जरा सा आगे चलो, तो मैंने कहा कि अगर आपको ये बताया जाए, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 33 वाला परिवार देखो जरा, एक परिवार तो ये हो गया, देखो थोड़ा सा परिवार वाइज में बड़ा 33 सही 1/3 अगर परसेंट यहाँ पर लिखा है, इसे भिन्न के रूप में क्या लिखा जाता है, आपने कहा 1/3। अगर मैं ये कह देता हूँ कि 66 सही 2/3 कहीं परसेंटेज लिखा था, इसका मतलब क्या था, आपने कहा 2/3। यही चीज़ होती है, आप ध्यान से देखो। अगर कोई मतलब ये सोच रहा होगा कि ये 33 सही 1/3 है, मैं इसको करवा दूँ, देखो 33 सही, अगर मैं ये कह देता हूँ कि जरा बोर्ड पे देखो, मैंने कहा कि ये 33 सही 1/3 जो आपका लिखा हुआ है, उसको मैं क्या करता हूँ, इधर देखो थोड़ा सा, मैंने कहा 33 सही ये 1/3 आपका लिखा हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपने कहा कि 33 का पाड़ा 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो आपने कहा कि 99 हो जाएगा, 99 और धन अगर 1 कर देता हूँ, 3/3, और यहाँ मेरा परसेंटेज हो जाएगा, सरल करोगे कितना जाएगा, तो आपने कहा 100/3 और बूढ़े में 1/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से देखो सरल करने का तरीका, कैसे इसका मान निकाला जा रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये आपको आराम से निकालने का तरीका। अगर मैं कहता हूँ 33 सही, मैं ये कह रहा हूँ कि 33 सही 1/3 का मान, अगर 1/3 का मान 1/3 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2/3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सीधा सीधा ये करना था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलो, आगे अगर आप चलोगे जरा देखोगे, तो मैंने कहा एक और काम करो, 33 हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, देखो जरा आपके लिए, आप देखो थोड़ा सा एक काम करो आप। मैंने कहा अगर ये मान लो, यहाँ से मैंने कहा कि कितना है, तो आपने कहा कि 20% है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा 1/5। अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 40% हो जाएगा, 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने कहा 2/5। अगर मैं इसका 60 कर देता हूँ, तो ये 60 कितना हो जाएगा, 60% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कितना हो जाएगा, 3/5। अगर मैं 80% कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4/5। ये आपका हो जाएगा 100% आपका कितना हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, उसके मतलब नहीं है। कहने का मतलब होता है वैल्यू देखो डबल हो रहे थे, तो मैंने ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ट्रिपल हो रहे थे मैंने 3 से किया, 4 गुना हो रहे थे मैंने ऊपर किससे गुणा कर दिया, तो 4 से कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहाँ सबको समझ में आ रहा होगा। एक और परिवार होता है जो परसेंटेज में बहुत अच्छा होता है, अगर मैं कहता हूँ 1/6 है, इसे क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा कि 16 सही 2/3 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज। अगर मान लो किसी को 1/6 की अगर वैल्यू नहीं याद होती है, वो कैसे निकालेगा, अगर 1/6 की मान लो आपको वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे निकालोगे, तो आप ये लिखोगे 1/2 लिख लोगे, मल्टीप्लाई में 1/3 लिखोगे। 1/2 जो होता है वो कितना होता है, 1/2 आपका कितना होता है, 50% होता है। मैंने कहा 1/2 का मतलब अगर मैं कहता हूँ 50% है, और यहाँ से 3 कर दोगे, अगर इसमें भाग लगाओगे 16 3 48 होता है, बचेगा 2 2/ कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करते रहो, आप नीचे कमेंट आप नीचे करते रहें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपके लाइक शेयर के भरोसे ही मतलब इस यूट्यूब चैनल को और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसका डबल अगर मैं करता हूँ, 1/12 अगर मान लो इसका है, इसका मान निकालना है, सेम इसी पैटर्न से मैं करता हूँ, तो मैंने कहा इसे 1/4 किया जाएगा, इसे क्या कर दिया जाएगा, 1/3। अब मुझे 1/4 का मान पता होता है, 1/4 का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 25, और ये 1/3 का मान कितना मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा अगर 25 में आप इसकी भाग लगा दोगे, कितना जाएगा, 8 3 24 बचेगा 1, और ये हो जाएगा 3, तो 8 से 1/3 का हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम, 25 का मतलब यहाँ से आप भाग लगा दोगे, तो 8 3 24 1/3 हो जाएगा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा 20% का मतलब 1/5 होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है, 60% का मतलब 3/5 होता है, 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 होता है।
1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3। 1/6 का मान कैसे निकलता, तो मैंने कहा 1/6 को 1/2 1/3 में ब्रेक कर दीजिए। 1/2 का मान हमको पता होता है 50% होता है, और 1/3 अपनी जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अब 50 बटा क्या करो, 1/3 कर दोगे तो इतिहास कितना जाएगा, 16 से 2/3 हो जाएगा। 1/12 अगर इतिहास कर देता हूँ तो 1/4 1/3 कर देता हूँ, यानी 25 गुणे कितना 1/3 हो जाएगा, तब तक 8 से 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको पूरा समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, तो बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है, अब एक जो परिवार निकलता है वो 1/7 का निकलता है, जरा उसको देखो, उस वाले परिवार को देखो। मैंने कहा कि एक परिवार है 1/7 वाले का, देखो जरा ये 1/7 को हम लोग क्या करते हैं, तो आपने कहा कि 1/7 होता है उसे हम लोग ये बोलते हैं 14.10 कितना होता है, 2/8 होता है परसेंटेज। जब भी 1/7 वाले का परिवार के जब भी कोई संख्या आएगी, तो जब भी 1/7 वाले परिवार की संख्या आएगी तो उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है ये जो संख्या होगी वो हमेशा इससे क्या करेगी, डिविजिबल होगी, यानी 14 और 28 क्या करोगे, 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर मैं कह देता हूँ इसका 2 गुना अगर करोगे 14 दुना 28 होता, 28 गुना कितना होता, 56 होता। अगर कहीं पर ये लिखा 28.26, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अपने का 2/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने का 2/7। अगर मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ, अगर मैं 28 दुना 56 हो जाएगा, यही है। फिर मैंने कहा अगर इसका 3 गुना कर दोगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो अपने का 84 हो जाएगा, और 10.42 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा, तो अपने का 3/7 हो जाएगा। इस परिवार को आप देखते रहो, ये परिवार बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए था इसको पूरा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 3/7 समझ में आ रहा। एक और परिवार होता है 1/8 का होता है, ये अलग अलग परिवार हो सकते हैं। 1/8 को अभी मैंने बताया था क्या कह सकते हैं, तो आपने कहा 1/8 को अगर मतलब मुझे नहीं पता कैसे पता, 1/8 को मुझे नहीं पता क्या होता परसेंटेज मान, तो मैंने कहा कि 1/4 लिखो और यहाँ से 1/2 कर दो। अब आप किसी एक का मान रख दो, मैं कहता हूँ किसी एक का मान रख दो, अगर आप यहाँ 50 रखोगे तब भी आएगा, 20 सॉरी अगर आप रखोगे आप 25 रखोगे तब भी आएगा, तो मैंने कहा कि 25 यहाँ रख लो 1/4 बटे में 2 कर दो, इसको भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 12.5 हो जाएगा, यानी 1/8 का मान कितना होता है, 12.5% होता है। समझ रहे हो कैसे निकाला जा रहा है, ये आप समझ लो, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं अगर आपने समझ लिया तो। ठीक है, देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लग रहा सबको समझ में आ रहा था। अगर मैं ये थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जरा बोर्ड पे देखूँ, अगर मैं ये कह देता हूँ कि अगर इससे आगे थोड़ा चलो, अगर कहीं पर आपको ये दिखाई दे 37.37 सही 1/2 आपको दिखाई देता होगा बहुत जगह, इसका मतलब होता है कितना, ये 12 के 36 होता है, यानी कितना जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपको 37 सही इतना दिखाई देता है। कहीं कहीं आपको दिखाई देता होगा 87 सही 1/2 आपको दिखाई देता होगा परसेंटेज में, तो ये अगर आप चेक करोगे तो 12 7 कितना होता है 84 होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसी के पास में होता है, एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन उसी के पास होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 7/ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक और दिखाई देता है वो उसको भी लिख लो आप, वो होता है 62 सही कितना होता है 1/2 होता है, 12 5 60 होता है, लगभग इसी के पास जाता है, तो वो क्या हो जाता है, तो आपने कहा कि 5/8 हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ये वाले परिवार समझ में आ रहा होगा, 1/8 अगर आपको याद रहे हो तो 1/4 में तोड़ो, 1/2 में तोड़ो, 1/4 का मान रखोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, अगर 1/2 का रखोगे तो 50 हो जाएगा, वो आपके ऊपर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक पूरा कर सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 तो यही रहेगा ही रहेगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो ये 25/2 अगर भाग दोगे 12.5, तो 1/8 का मान कितना होगा 12.5, 12.5 तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे भी। फिर यहाँ से अगर आपको 37 से 1/2 दिखाई देता है, इसका मतलब कि लगभग इसके 3 गुना होता है। अगर आपको 87 से 1/2 दिखाई दे, इसका 7 गुना होता है। अगर इसका 62 से 1/2 दिखाई देता है, तो इसका मतलब कहने का मतलब होता है ये 5 गुना के बराबर होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें पूरा प्रॉपर आप नोट करते चलो, आपको दिक्कत ना हो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करा जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी इसको पकड़ना होगा। ठीक है, एक देखो आप 1/9 का परिवार देखो, एकदम परिवार आराम आराम से देखो सकते हो, थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, मैं सबकी तरह मतलब ऐसे डाटा नहीं खरीदना चाहता, मैं थोड़ा सा आपको अलग पढ़ाने का प्रयास। देखो मैंने कहा 1/9 है, इसको हम लोग जानते हैं ये क्या लिखा जाएगा, तो 11.99 होता है, 11.11% होता है ये होता है, या फिर ऐसे और एक चीज बोला जाता है 11 से 1/2 क्या बोल दिया जाता है 9 बोल, इतना बोला जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लग रहा है, मैंने कहा 1/9 है और यहाँ से क्या बोला, तो आपने कहा कि 11.11 हो जाएगा, यहाँ से
11 से 18 बोला जाएगा, यही चीज बोला जाता है, यही कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसका मान डबल आ जाता है, 22.22 आ जाए, अगर इसका मान कहीं पर आपको 22.22 अगर परसेंट दिखाई दे देगा, कितना हो जाएगा तो आपका 2/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा, अगर आपको ये कहीं दिखाई दे रहा था यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो मैंने अभी एक मान बताया था, मैंने कहा कि 66.66 अगर आपको कहीं परसेंटेज दिखाई देगा इसको क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा ये कितने गुना, तो आपने कहा 6/ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है 3 के पहाड़े में 3 × 6 होता है, 3 × 9 होता है, यानी कितना मान हो जाएगा, तो आपने कहा 2/3। यानी जब भी आपको कहीं 66.66% दिखाई देगा तो उसे आप क्या बोलोगे, तो आपने कहा उसे बोला जाएगा 66.63 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और बचती, देखो 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, तो आपने कहा कि 1/10 को क्या लिखा जाएगा, 10%। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा है। 1/13 और नोट कर लो, 1/13 का मान होता है वो कितना होता है, 6.7 के आसपास ले लो, 13 × 7 = 91, 7.7 ले लो, 7.7 ले लो ज़्यादा बेटर, 13 × 7 = 91, 7.7 ले लो ज़्यादा बेटर। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं है। और 1/14 का अगर मान लो मान मुझे निकालना होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, 1/14 अगर मान निकालना होगा, मैंने कहा 1/2 × 1/7 कर लो, 1/2 × 1/7 कर लो, तो मैंने कहा कि 1/2 का मान मुझे पता होता है कितना होता है, तो आपने कहा कि 50% होता है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा अगर भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 1/ कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 7 हो जाएगा, यानी 7 सही 1/7 क्या हो जाएगा परसेंटेज। 15 का भी ऐसे निकाल सकते, देखो अगर किसी ने कहा किसी अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, जरा इधर देखो बोर्ड पे, मैंने कहा अगर 1/15 है इसका मान अगर किसी को निकालना है, 1/15 इसका मान निकालना है, तो मैंने कहा इसे क्या लिखा जाएगा, आपने कहा कि 1/3 लिखा जाएगा और 1/5 में लिखा जाएगा। बोर्ड पे देखो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा कि 1/5 को तो 20% लिखा जा सकता है, 1/3 यहाँ पर रहेगा अपनी जगह पे रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 20% हो जाएगा। अगर आप भाग लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 होता है, बचेगा 2, यानी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 6.63% हो जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, बहुत आराम से एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे निकाला जा सकता है, वरना मैं मतलब ऐसे लिख सकता था 1 से लेकर 20 तक आपको याद हो जाए, वो मैं नहीं करना चाह रहा था आपके साथ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कैसे आता है। एक परिवार बच रहा है आपको 1/11 वाला, जरा देख लो 1/11 वाला परिवार देख लो, उसके बाद मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों पर चलता हूँ। जरा ये सब आपको पूरा नोट करना होगा, पूरा प्रॉपर आप परसेंटेज अगर आपने कमांड बना ली है, परसेंटेज पे अगर आपने कमांड बनाई है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, जो CISI वाला टॉपिक है, या फिर आपका डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने मतलब परसेंटेज पे कमान अच्छी बनाई है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पूरी आपकी मैथ क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। और रेलवे को अगर आप फोकस कर रहे हो, तो परसेंटेज आपके लिए समझ लीजिए कमर की मतलब हड्डी की तरह होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एकदम है। अगर आप रेलवे या ग्रुप डी या NTPC के बारे में सोच रहे हो, तो परसेंटेज को ऐसे पकड़ो जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जितनी मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है उतना भार आप बर्दाश्त कर सकते हो, सेम उसी तरीके से होता है परसेंटेज। तो ये इसका वेटेज समझो आप, ठीक है। तो एक परिवार जो बच रहा है उसे 1/11 वाला है। अगर मैंने कहा 1/11 का मान अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आप यही कहोगे ना 1/11 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है 1/11 का मान हो जाएगा 9.09 हो जाएगा, 9.09 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 09, ये क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। 1/11 का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 9.09 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई क्लियर, एकदम पूरा क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, आगे चलो। अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर मैं डबल कर दूंगा तो 9 × 18 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा, 18 × 18 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको कहा कि 2/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/11। कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2/ कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 हो जाएगा। ठीक है, वो सेम सॉरी 2/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 2/11 हो जाएगा, वो आप कर सकते थे। तो आप ऐसे भी एक परिवार ये भी था, इसको भी आपको रन कर लो, बाकी आप कर सकते हो आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब आपको बचा होगा, बाकी मैंने सब कुछ लिखवा दिया है। ठीक है, तो 37 को क्या सब कुछ परसेंटेज लिखवा दिया है, जो बेसिक बेसिक आपके रिक्वायरमेंट वाली परसेंटेज है सब मैंने लगवा लो कवर करवा दिया। ठीक है, तो अब
अब आपको इससे ज़्यादा परसेंटेज की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा ये लर्न होना चाहिए ठीक। 36 का अगर 36 कई बार आपको 36.6 अगर 36 दिखाई देता है इसका मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि 4/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4×9=36 होता है, 4/11 4×9 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4/11 ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको 36.36% दिखाई देता तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 4/11 हो जाएगा मुझे लग रहा है। अब बाकी इसके अलावा आपको ज़्यादा किसी जरूरत है नहीं, 45 अगर कहीं पर ये दिखाई दे रही, अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 45.45 पाँच दे रहा था, यानी कि कितना होता, तो आपने कहा 5 हो जाएगा, 5/5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 11 हो जाएगा, ये मान आप निकाल सकते हो। लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है उतना मैंने आपको लिखा है। अब देखो परसेंटेज जो मैंने पढ़ाया उसका यूज कैसे किया जा सकता है, वो सबसे बेस्ट उसका तरीका क्या है यूज करने का, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको याद है लर्न है तो आपको बहुत ईजिली आपके क्वेश्चन ब्रेक होने वाले हैं। अगर नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन शुरुआत में 2-4 दिन तक आप देखो इसको, फिर उसके बाद आपको इसको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा लर्न हो जाएगा ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, परसेंटेज के द्वारा ये क्वेश्चन कैसे आसान बनाया जा सकता है। आप बोर्ड पे देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा इसमें ध्यान से देखो। पहली बात तो ये है कि परसेंटेज में जो जितने प्रकार, मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए परसेंटेज में कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पेपर में वन डे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो परसेंटेज में परिवर्तन पर आधारित होता है, प्रतिशत में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होते हैं तो वो होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि अगर आपका बेस चेंज हो जाए और आधार चेंज परिवर्तन पर आधारित होते हैं। तो मैं एक छोटा सा पहले उससे अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि देखो आप परसेंटेज का यूज कैसे है। मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो जरा, मैंने कहा क्वेश्चन ये है, एक वस्तु है SP मतलब होता है विक्रय मूल्य, SP मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। आप अभी ये ना सोचें कि मैं प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कितना है, तो आपने कहा कि 7700 रुपया है, और मुझे प्रॉफिट जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉफिट का अगर आप जिक्र करोगे तो 16 से कितना है, तो आपने कहा 2/3% है, 16 से 2/3 है, कितनी है, तो आपने कहा 16 से 2/3 है। आपसे यहाँ पर प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ। आपसे क्या पूछ रहा है CP यानी क्या पूछ रहा है, तो आपने कहा कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपने कहा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा बहुत आराम से बोर्ड पे देखो जरा, ये SP आपका कितना 77, तो प्रॉफिट जो आपका ये लिखा जा रहा है 16 सही, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, 16 दिया 48 होता, 48 जो 50 होता, 50/50 इसे क्या कहा जाएगा 3, यहाँ लगेगा परसेंटेज, यहाँ क्या लग जाएगा, तो आपने कहा परसेंटेज। अगर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मैंने कहा कि 50/3 तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, अगर मैं यहाँ परसेंटेज हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1/100, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1/6, यानी 16 सही 2/3 का जो मान निकल रहा वो कितना निकल रहा, 1/6। ये जो प्रॉफिट है बोर्ड पे देखें 1/6 है, वो नीचे वाला जो पार्ट होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है, ये क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है हमेशा और हमेशा। ऊपर वाला भाग आपका लाभ होगा तो लाभ होगा, अगर हानि है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऊपर वाला भाग उस पर डिपेंड करता है, ये लाभ है या हानि है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ठीक है। ऊपर वाला जो आपका भाग होता है वो हमेशा इस पर डिपेंड कर, लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगी तो हानि होगा, उस पर ज्यादा मैटर नहीं करता ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज आप ध्यान से देखो जरा, आप सबको पता है एसपी बराबर होता क्या है, तो मैं कह दे सकता हूँ प्रॉफिट लाभ और प्लस में क्या होता है CP होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, ये 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 7700, यानी इसमें कितना गुणा किया गया, तो आपने कहा कि 1100 को गुणा किया जा रहा होगा। तो मैंने कहा मुझसे पूछ कह रहा CP पूछ रहा था CP का मान कितना है, तो आपने कहा 6 है, CP का मान आपका कितना है, तो आपने कहा कि 6 है, CP बराबर आप देखोगे जरा 6 में किससे गुणा करोगे, तो आपने कहा कि 1100 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 6600 रुपये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। यहाँ से आपको SP दिया था 77, आपको प्रॉफिट दिया था 16 सही 2/3 और बराबर क्या 50/3 हो जाएगा, तो लाभ आपसे पूछा था, यहाँ पर लाभ आपको दिया था, क्रय मूल्य आपसे पूछा था, तो मैंने कहा कि जो ये लाभ है उसे देखो अभी ये फार्मूले से करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फार्मूले से कितना टाइम लेता है उसको आप जान ही रहे हो,
लेकिन आप ऐसे करोगे बहुत जल्दी आप कर ले जाओगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो मैंने कहा यहाँ एसपी कितना, तो आपने कहा कि आप 77 का प्रॉफिट कितना, 16 से 2/3 है, इसे मैंने कन्वर्ट किया 50/3 हो जाएगा, 50/3 को अगर परसेंटेज हटाओगे 1/100 1/6 हो जाएगा। ठीक, यानी इसको 1/6 लिखा जा सकता है। प्रॉफिट 1/6 का मतलब होता है ये 6 कुल क्या है मेरा क्रय मूल्य है, एक उस पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मैंने यानी कि कहने का मतलब है कि 6 रुपये में अगर आपको दे रहा हूँ तो 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ये कहने का इसका मतलब होता है। मुझसे अगर यहाँ पर एसपी है विक्रय मूल्य, आपको अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपका एसपी कितना कह रहा है, तो वो कह रहा है कि एसपी जो आपका है वो प्रॉफिट प्लस क्या होता है कास्ट प्राइस होता है, इन दोनों का आपस में ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस 7 का मान कितना दिया, तो आपने कहा 7700, यानी एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जरा केयरफुल से देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि सीपी आपसे पूछ रहा था सीपी का मान कितना, 6 है, 6 में अगर 1100 गुणा कर दो कितना हो जाएगा 6600। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मतलब इतने ही मैंने आज लाइव वाली क्लास में पढ़ाया था, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अगली क्लास में मिलता हूँ लाइव, उसमें पूरा सब सिस्टम सही कर लिया जाएगा। तो अगली क्लास में आपको इससे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चनों के साथ मैं मिलता हूँ, और वो क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आए होते हैं बेसिक पैटर्न से, मतलब बिना फार्मूले से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, ताकि सबको ये पता चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।